आप सभी दर्शकों को जनता टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि के दिन हिंदुओं के लिए खास होता है। आज का दिन हर कोई भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान को खुश करने का प्रयास करता है। आज हर जगह की तस्वीरें सामने आएगी जहां पर शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर कोई महादेव आदि देव शंकर भगवान की पूजा करने में लगा हुआ है। सुबह से लेकर मंदिरों में कतारें देखी जा रही है। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मंदिरों में महाशिवरात्रि के दिन लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक में योगी आदित्यनाथ खुद भगवान भोले को प्रसन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूजा पाठ में शामिल है। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे जब मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, लोग महादेव के दरबार में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और महादेव को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि आज जो शिव भगवान की पूजा अर्चना करता है, व्रत रखता है, उसको मन चाहा हुआ उसका हर कुछ पूरा हो जाता है। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से आज भव्य नजारा दिखाई दे रहा है अलग अलग से। चलिए हम सीधे अब रुख करते हैं अपने संवाददाताओं के पास और देखते हैं कि जिलों का क्या हाल है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। बनारस से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे मौजूद हैं और लखनऊ से अनूप कुमार, गाजियाबाद से हैदर अली। धर्मेंद्र चौबे, अगर बात की जाए तो बनारस में जो आस्था का केंद्र भी माना जाता है, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है वाराणसी में? देखिए अभिषेक, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि वाराणसी की जो तस्वीर है, करीब 700 मीटर पहले ही ब्रैकेट कर दिया गया है और देर रात 12 बजे से यादव बंधुओं के जो परंपरा काशी की है कि घड़े में कलश लेकर काशी की जल अभिषेक करते हैं, उसके बाद अन्य दर्शनार्थियों का गर्भगृह में दर्शन प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि वाराणसी की एक अद्भुत कहानी यह है कि शिव और शक्ति दोनों की आराधना एक साथ होती है और जो परंपरा है, वाराणसी के विश्वनाथ के मंदिर के महंत हैं कुलपति प्रोफेसर कुलपति तिवारी, उनके घर से आज बारात आती है और आदि शक्ति के यहाँ विवाह की परंपरा रात में निभाई जाती है। उसके तदोपरांत उनका दूसरे दिन सुबह जो है उनका विदाई किया जाता है। उसके बाद रंगभरी एकादशी होती है। उसके बाद होली की जो परंपरा है काशी में, जो होली खेली जाती है, जो अद्भुत होली होती है, मसान की होली होती है, वो काशी से ही प्रारंभ होती है। क्योंकि शिव के आज के विवाह के उपरांत ही होली की जो परंपरा होती है, रस्म होती है काशी में, वो प्रारंभ हो जाती है। विषय आप बिल्कुल धर्मेंद्र, अगली बार आपके पास आएंगे तो आप तस्वीर जरूर दिखाएंगे कि किस तरीके से भक्त मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हरिद्वार चलेंगे। हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास खरे हैं। हरिद्वार, जहां पर कहते हैं कि माँ गंगा का प्रवाह होता है, भगवान शिव की पूजा होती है और यहाँ पर धर्म नगरी भी हरिद्वार को कहते हैं, हरिद्वार का नजारा हम देखना चाहेंगे। विकास खरे, किस तरीके की तस्वीर आज हरिद्वार में दिखाई देती है, भक्तों का सैलाब किस तरीके का उमड़ा हुआ है? बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें, आज धर्म नगरी हरिद्वार में लगातार शिव शंकर भोले के जय जयकारों से गूंजाए माने। हालांकि लंबे समय के बाद आज जो है हरिद्वार में नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल चला तो कहने के शिव भक्त हरिद्वार नहीं पहुंच पाए, तो आज अगर बात करें तो लगभग तमाम 3 बजे से जो यहाँ पर दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर, जो भोले की ससुराल कहा जाता है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह लगभग 3 बजे से जो है शिव शंकर के जो भक्त वो यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। तो कहने का जिस तरह से भीड़ हरिद्वार में देखी गई, तो सेम टू सेम आज जो नजारा पहले का था आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभिषेक, लगातार जो शिव भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हो, शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक करो, यहाँ की जो मान्यता है, जो भी शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक करते हैं तो शिव शंकर भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो लगातार जो है लंबी लंबी जो कतार यहाँ पर हरिद्वार यानी कि दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में देखने को मिली। बिल्कुल विकास, आप जानकारी देते हुए पीछे की तस्वीर भी दिखाई जिससे हमारे दर्शक हैं वो भी दर्शन कर सके घर बैठे भगवान के, और तस्वीर देख सके कि किस तरीके से लोग भगवान की आज पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विकास, आप बिल्कुल, अभी से तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। शिव शंकर भोले की ससुराल आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर है और जो शिव भक्त है वो लगातार लंबी लंबी लाइनों में जो जलाभिषेक कर रहे हैं, अपनी वारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जो भक्त यहाँ पर लगभग सुबह 3 बजे से यहाँ पर आ चुके थे, जो यहाँ पर तांता भक्तों का लगा, और लगातार ये जो नजारा आप देख रहे हैं अनुमन, ये नजारा जो यहाँ पर देखने को मिलता है। और अभिषेक, ये वो तमाम श्रद्धालु हैं जो आप यहाँ पर साफ तौर आपको नजर आ रहे हैं और जो लंबी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है।
और सुबह से ही जो सभी भक्त यहाँ पर शिवशंकर भोले के जो भक्त हैं वो जल अभिषेक बिल्कुल बिल्कुल विकास, तो जिस तरीके से आप तस्वीर दिखा रहे हैं बेहद ही अनोखी तस्वीर दिखाई दे रही है। विकास वापस आपके पास लौटेंगे, लखनऊ चलेंगे। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप जी, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, लोग आज शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर हम देखना चाहेंगे और आप जानकारी भी दीजिए कि किस तरीके से आज इस महापर्व को लोग मना रहे हैं। देखिए अभिषेक, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन हम इस वक्त लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर के बाहर हैं, जहां पर लंबी कतार लगी है। डालीगंज पुल से और मंदिर प्रांगण तक एक लंबी कतार है, दो लाइनें बनाई गई हैं, महिलाओं की अलग है, पुरुषों की अलग है। अब आप देख सकते हैं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही वहां तक आपको सिर्फ भक्त ही नजर आएंगे, क्योंकि ये जो मंदिर है इसकी खास मान्यता है कि मनकामेश्वर में जो भी भक्त आता है भगवान शिव की पूरा पूजा और आराधना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी श्रद्धा और भाव के साथ में ये तमाम जो शिव भक्त हैं उनको लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये काफी लंबी कतार है, चूंकि सबसे जो महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल की तीसरी लहर अब समाप्ति की ओर है, उसके बाद मंदिरों में इतनी बड़ी भीड़ हुई है, लगातार भक्तों का तांता लगा है कहीं ना कहीं, चूंकि महाशिवरात्रि पर ऐसी मान्यता है भगवान शिव और पार्वती काफी प्रसन्न हो जो भक्तों को लेकर जब पूजा अर्चना करते हैं तो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। तो यही श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ में दुकानें सजी हैं, हर भक्त अपने भोले बाबा को मनाने के लिए तरह तरह से फूल मालाएं धतूरा तमाम जो दूध या सेवन जला अभिषेक कर रहे हैं। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे अभिषेक, ये करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, सुबह रात में 12 बजे से लाइन लगना शुरू हो गया था इस मंदिर में। अभी तक जो रात में लाइन में खड़े हुए थे लोग वो अभी तक मंदिर पहुंचे रहे हैं, कुछ लोग अभी भी लाइन में खड़े हैं। कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा कि भक्त जो हैं किस तरीके से लाइन में खड़े हैं। आप कितने बजे से लाइन में खड़ी हैं? पौने छह बजे से। आज महाशिवरात्रि है, कितना महत्व देती है और किस तरह से भगवान पूजा शिव की करना चाहती है? श्रद्धा भक्ति की भाव के साथ में पूजा करना चाहती हूँ। तो ये अभिषेक इस तरीके से माहौल है, मैं कुछ और लोगों से भी बात कराऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा जो नजारा है वो मंदिर का है। मंदिर में किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कोरोना काल अभी गया नहीं है, कोरोना स्थिति हालांकि सामान्य है, लेकिन फिर भी कोरोना कायदे कानून का पालन को लेकर के यहाँ पर मंदिर प्रशासन के अंदर तो कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन लोग भक्ति बिल्कुल अनूप, तो यही दाता है, यही विधाता है, यही भोले हैं और यही सब कुछ है। मनकामेश्वर मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, मनकामेश्वर मंदिर में किस तरीके से आलम है, किस तरीके की तस्वीर है और आस्था कितनी बड़ी है कि लोग भक्त जो हैं वो मंदिर में जा रहे हैं। हैदर अली के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। हैदर अली, आपसे जानना और देखना चाहेंगे कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां के भक्त किस तरीके से भगवान भोले को खुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर रावण के जो पिताजी थे उन्होंने स्थापना की थी, क्योंकि यहाँ पहले पुराने पूर्वज जो बताते हैं वो यही बताते हैं, यहाँ के जो महंत नारायण गिरी हैं उन्होंने बताया था जनता टीवी के माध्यम से कि यहाँ पर पहले एक पहाड़ी हुआ करती थी जहाँ पर रोजाना एक गाय आया करती थी और वो एक ही जगह उसके स्थानों से दूर निकलता था, उसकी खोज की गई तो यहाँ पर शिवलिंग निकला। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे देखिए ये मेन द्वार है यहाँ के मंदिर का, जो खासकर आज सुबह से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लगभग 6 लाख लोग यहाँ पर जलाभिषेक कर चुके हैं और हर हर महादेव के नारों के साथ लोग उत्साह है लोगों के अंदर। कहीं ना कहीं जो रात से 12 बजे से जल शुरू हुआ है तो लोग बाग लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं जलाभिषेक कर रहे हैं। और अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन ने सारे पुख्ता इंतजाम ग्राउंड पे कर रखे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, अभी SSP यहाँ पे गाजियाबाद के पवन कुमार है वो मैं टीम के साथ मौके पर मुआयना करने आए थे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है और कहीं ना कहीं भक्तों के अंदर एक जोश उत्साह है, क्योंकि 3 साल बाद कोरोना काल के बाद ये इस तरीके से परमिशन मिल पाई है और लोग कहीं ना कहीं आस्था के अनुरूप जो कहीं ना कहीं कोरोना काल में परेशान थे और जो जलाभिषेक नहीं कर पाए थे शिवरात्रि पर, कहीं ना कहीं फाल्गुन शिवरात्रि के अंदर यहाँ मौका मिला है और लोग काफी उत्साह के साथ यहाँ मौजूद हैं।
बिल्कुल 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 हैदर अली, तो आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि पीछे किस तरीके से भक्त मंदिर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधर्वेंद्र आपके पास वापस आएंगे, और लेकिन उससे पहले हम देहरादून भी चलेंगे क्योंकि हमारे संवाददाता अजीत कांबोज है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड, देवभूमि की आज तस्वीर किस तरीके की दिखाई दे रही है अजीत कांबोज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आदिदेव महादेव महाकाल की आज पूजा अर्चना करते हुए हर जगह से भक्त दिखाई देते हैं, देहरादून की क्या तस्वीर सामने आ रही है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ कण कण में शिवालय भी मौजूद हैं। तो जिस तरह से लगातार शिवरात्रि के मौके पर पूरे प्रदेश भर में जलाभिषेक की को लेकर लंबी कतारें नजर आ रही हैं, राजधानी देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। पौराणिक महत्व है इस मंदिर का और आप देख सकते हैं सीधे तौर पर काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। रात्रि 12 बजे के बाद से ही लोग यहाँ पर पहुँचने लगे तो जलाभिषेक को लेकर लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई, लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा की लाइन यहाँ पर मौजूद है और भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। और अगर मंदिर की मेन गर्भगृह की बात की जाए तो सीधे तौर पर इससे आगे जाकर लगभग 50 मीटर और लोगों को चलना होगा जहाँ पर गर्भगृह है, जहाँ पर जलाभिषेक कर सकते हैं। और यहाँ से लगभग 3 लाइनें यहाँ पर डाइवर्ट की गई हैं, 3 तरह से लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। जो भी भक्त हैं उनको किस तरह की दिक्कत ना हो, कोविड प्रोटोकॉल कैसे पालन करना होगा, तमाम व्यवस्थाएं कैसे बनानी होगी, तो तमाम इन चीजों को लेकर यहां पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। मंदिर समिति के लोग यहां पर मौजूद हैं और भक्तों के जो आने का सिलसिला है वो रात्रि 12 बजे के बाद से ही जलाभिषेक यहां पर शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अजीत टपकेश्वर मंदिर में आप मौजूद हैं। टपकेश्वर मंदिर का रहस्य भी बहुत अनोखा बहुत पुराना है। दर्शकों को बताइए कि टपकेश्वर मंदिर में जो लोग जाते हैं वो केवल एक जगह देवभूमि के नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश के लोग भी वहां पहुंचते हैं। मंदिर के रहस्य के बारे में आप दर्शकों को अवगत कराएं अजीत कांबोज। बिल्कुल, अगर टपकेश्वर महादेव मंदिर की बात की जाए तो काफ़ी पौराणिक महत्व इस मंदिर का है। राजधानी देहरादून के बिल्कुल बीचों बीच मंदिर ये मौजूद है, तो ऐसे में देहरादून के साथ ही अन्य जनपदों अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं और खासी संख्या में यहाँ पर भीड़ भाड़ भी नज़र आती है। कोई भी पर्व हो त्यौहार हो, कोई भी भक्त अगर महादेव का जलाभिषेक करना चाहता है तो वो यहाँ पर पहुँचता है और ख़ासतौर पर शिवरात्रि के मौके पर तो यहाँ की भव्यता और भी नज़र आती है। टपकेश्वर महादेव के अगर पौराणिक महत्व की बात की जाए तो कहा जाता है कि पौराणिक समय में यहाँ पर जो जटाएं हैं, जो एक शिवलिंग है उसके ऊपर सीधे तौर पर दूध टपकता था और उसके चलते यहाँ जो स्वयंभू शिवलिंग है उसकी पूजा अर्चना होती थी। और धीरे धीरे ये चीज़ें यहाँ पर अब परिवर्तन होता गया और आज की तारीख में अगर बात की जाए तो आज भी यहाँ पर सीधे तौर पर दूध की जगह जलाभिषेक यहाँ पर लगातार होता रहता है। अगर मंदिर के गर्भगृह की बात की जाए तो मंदिर के भीतर जाने पर साफ तौर पर चट्टानों से यहाँ पर पानी टपकता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है जिसकी यहाँ पर लगातार पूजा होती रहती है और इसी के चलते इसका महत्व देश प्रदेश में काफी ज्यादा है और इसी का नतीजा है कि शिवरात्रि के मौके पर अजीत इसीलिए लोग यहाँ पहुंचते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो चार जगह से हमारे चार संवाददाता जुड़े हुए थे, धर्मेंद्र चौबे जी बनारस से जुड़े हुए थे हापुड़ से, और अनूप कुमार सिंह लखनऊ से, और इसके साथ ही गाजियाबाद से हैदर अली, और देहरादून की तस्वीर अजीत कांबोज ने दिखाई है कि किस तरीके से अलग अलग मंदिरों में भगवान के अलग अलग चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। आप सभी को आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, तस्वीर दिखाइए। तो देश भर में आज शिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा, जिसके तहत गाजियाबाद के प्रसिद्ध भगवान दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी देर रात तक 12 बजे तक भक्तों की लंबी कतार लगी रही। माना जाता है कि दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर की स्थापना रावण के पिता विश्वेश्वर ने की थी और रावण ने यहां भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अपना पहला सर यहीं अर्पित किया था। यह भी माना जाता है कि जो भी भक्त अपने कोई भी मनोकामना लेकर यहां पहुंचता है भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी महाराज ने हमारे संवाददाता हैदर अली से खास बातचीत की है। मौजूद है हम गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर के अंदर जहां आज फाल्गुन शिवरात्रि के मौके पर आज शिवरात्रि है और जश्न का माहौल है। हमारे साथ दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी जी मौजूद हैं। सर आपका स्वागत है जनता टीवी। जी आज क्या महत्व है महंत जी इसका शिवरात्रि को लेकर और क्या इसकी प्राचीनता है इस मंदिर के बारे में बताइए। देखिए फाल्गुन का शिवरात्रि जो है ये शिव का विवाह महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस धरती पर जब शिवलिंग प्रकट हुए उसका महोत्सव भी मनाया जाता है। तो निश्चित रूप से दुधेश्वर मंदिर गाजियाबाद जो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रमुख मंदिर है इसमें भक्तों का विशेष दर्शन करने के लिए रात को 12 बजे से ही हम लोग प्रबंध किया है कि कोरोना का 3 साल वर्ष होने के बाद में और निरंतर जो भक्तों का यहाँ दर्शन जो है पर है
और अभी भी देखिए लाखों लोग आ रहे हैं। तो 3 वर्षों के बाद में लोगों को एक मन में शांति और सुख है कि भाई चलो भगवान का अच्छा से पूजा करने को प्राप्त हो रहा है। ये कहा जाता है कि पहले हैं यहाँ पर गाय आया करती थी जिससे खुद दूध अच्छा लगता था, इसके बारे में क्या है, उसके बारे में बता। देखिए हर काल में जो है समय के हिसाब से कुछ चीज़ें लुप्त हो जाती है, तो यहाँ पर बोले बहुत बड़ा पहाड़ टीला बन गया था, फिर वो गाय आके अपने आप ही दूध देती थी, तो लोगों ने देखा कि भाई यहीं दूध क्यों देती है, तो जब खुदाई हुआ तो यहाँ पर यह शिवलिंग निकला, तो इसका नाम फिर दुधेश्वर नाथ मंदिर पड़ा, दुधेश्वर दूध से प्रसन्न वाला ईश्वर दुधेश्वर नाथ, तो इसके रूप में जी। महन जी एक चीज़ और भी है कि क्या इंतजाम यहाँ पुख्ता किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, आपके द्वारा, और कितने लोगों ने अब तक यहाँ पर जलाभिषेक कर दिया? अभी तो 4 से 5 लाख रात में पूरा दर्शन किया है, हम लोग का करीब 500 कार्यकर्ता वगैरह इसमें यहाँ लगे हुए हैं, और बहुत से लोगों का जो है प्रशासन का भी और पूरा व्यवस्था है, सहयोग है, और सभी जितने भी जिला प्रशासन वगैरह है वो सभी लोग यहाँ पर सुरक्षा में भी लगे हुए हैं जी। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी जी, जो लगातार बता रहे थे कि यहाँ की प्राचीनता के बारे में और कहीं ना कहीं इसकी प्रसिद्धि के बारे में। बने रही जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता गाजियाबाद।